इंडियन ओशन से यहाँ गया हुआ था 1971 दिसंबर में, एंड अमेरिका वॉज सपोर्टिंग बाय दैट टाइम टू पाकिस्तान. और जब ऐसे वार चली, इट वॉज ए 10-15 डेज मैजिक, सारी दुनिया हिली हुई थी और सब कहने लगे 7th फ्लीट हैज स्टार्टेड फ्रॉम USA, वर्जीनिया से चल चुका है, इट रीच टू जिब्राल्टर, इट क्रॉस्ड अटलांटिक ओशन. हर दूसरे दिन खबर आ रही थी इट इज विद फुल थ्रॉटल, फुल स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है वो. और इसने मेडिटेरेनियन सी में, जिब्राल्टर में क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में आ गया है. एंड टिल न्यूज आई के 7th फ्लीट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इट वॉज कैरिंग न्यूक्लियर आर्म्स, इट देर वॉज ए फुल थ्रेट कि वो आ गया तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उनका उनको एयरबेस मिल जाएगा अटैक करने के लिए और पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स स्ट्रांग हो जाएंगी. देन न्यूज आई के 15 दिन हो गए, इट क्रॉस स्वेज कैनाल, ओ गॉड, सो इंडियन आर्मी वॉज इवन मोर एक्टिव विद द हेल्प ऑफ आनंद वाहिनी इन मुक्ति वाहिनी, आनंद मार्ग इज वेरी डिफरेंट, मुक्ति वाहिनी द पाकिस्तान इंडियन आर्मी ट्रेन बांग्लादेशी पीपल हु वर सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, सो उनके साथ उन्होंने अपना अलग, देन इट क्रॉस दी द 7th फ्लीट क्रॉस दी स्वेज कैनाल, एंटर्ड इन टू द रेड सी, वार वॉज ओवर. 17th डे में उन्होंने सरेंडर कर दिया, 18th डे में तो उन्होंने अपने सरेंडर के साइन कर दिए. ऑल 93,000 पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी दे सरेंडर्ड देयर आर्म्स एंड एम्युनिशन टू इंडियन आर्मी, दैट वॉज द मैजिक. मैं इसलिए बता रहा हूँ, द वर्जीनिया इज हैविंग द सिटी इज पोर्टसमाउथ इन वर्जीनिया, US नेवल हेडक्वार्टर इज देयर, दैट इज इट मीन्स दिस एरिया रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ द स्टील, सो स्टील इंडस्ट्रीज आर देयर. आई मेंशन द नेम, ऑल दीज आर दी बेथलेहम एंड पिट्सबर्ग आर दी, पिट्सबर्ग मैंने कहीं लिखा, पिट्सबर्ग इज द लार्जेस्ट, बेथलेहम इज द सेकेंड लार्जेस्ट, दिस फिलाडेल्फिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ USA. अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट टू मोर स्टील प्लांट्स आर लेट यू नो इन साउथ, दिस इज वन रिवर, वट इज द नेम ऑफ दिस रिवर, USA की ये बर्ड फूड बनाती है डेल्टा, वट इज द नेम दिस रिवर, मिसिसिपी रिवर. हियर देर इज ए सिटी कॉल्ड बर्मिंगम इन एटलांटा, इट इज समवेयर हियर, बिकॉज दिस एप्लेशियन माउंटेन्स हैव द रेड माउंटेन्स. रेड माउंटेन्स आर बेसिकली आयरन ओर रिच माउंटेन्स, वहाँ आयरन ओर बहुत मिलता है और बिकॉज ऑफ द रेड माउंटेन्स आयरन ओर इज देयर एंड द लोकल कोल इज देयर, लोकल कोल इज देयर, सो दिस इज द बर्मिंगम स्टील प्लांट इज देयर इन एटलांटा इन USA. सो आइदर द स्टील प्लांट आर लोकेटेड नियर द लेक्स और नियर द वेस्ट कोस्टल रीजन, वन इज इन द सदर्न एपलेसियन रीजन. मोस्ट ऑफ द एज आई टोल्ड यू स्टील प्लांट्स रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ देयर फर्नेसेज अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील इज ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फर्नेस का टेम्परेचर 3000 डिग्री से भी ऊपर रखना पड़ता है. सो दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल एंड द गुड क्वालिटी ऑफ कोकिंग कोल. द बिटुमिनस कोल इज कन्वर्टेड इन टू कोकिंग कोल बाई स्टीमिंग दैम, उसको कोकिंग कोल बना के उसकी एनर्जी ज़्यादा देर तक रुकी रहे. सो कोल सब जगह नहीं हो सकता, USA इज सच ए लार्ज कंट्री. देर इज वन वेरी पिक्यूलियर, USA ने स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीड ऑफ कोल. देखिए मैं थोड़ा सा US का वेस्टर्न USA का थोड़ा सा बताना चाहूँगा. सपोज दिस इज से लॉस एंजलिस, दिस इज सैन फ्रांसिस्को एंड दिस इज द बॉर्डर हियर, दिस इज कैनेडा एंड दिस इज यू नो वन रिवर, कोलंबिया रिवर.
and this is a city called Seattle. Seattle is very important industrial town in the world. It is Microsoft is there, Boeing aircraft manufacturing company is there. Boeing का एरिया इतना बड़ा है जितना बड़ा सारी दिल्ली है, इतना बड़ा तो उसका स्टील एक एक एयरक्राफ्ट बोइंग एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी का एरिया है. सो एंड दिस इज टेक्टोनिकली एक्टिव जोन. दिस इज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन. दिस प्लेट इज मूविंग लाइक दिस एंड दिस. दिस इज ट्रांसफॉर्म न्यूट्रल फॉल्ट लाइन. प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा होगा वी आइदर वी हैव द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन और वी हैव द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन. बट ट्रांसफॉर्म और न्यूट्रल प्लेट मार्जिन दिस इज सो दिस इज टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव जोन. फॉल्ट लाइन इज देयर. नेम ऑफ द फॉल्ट लाइन इज सान एंड्रियास फॉल्ट लाइन. आपको याद रहना चाहिए इस फॉल्ट लाइन का नाम है सान एंड्रियास फॉल्ट लाइन. कभी पढ़ी थी लाइन? फिर भूल कैसे गए आप? कोई बात नहीं. सान दिस इज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकॉज दिस इज कॉर्डिलेरास कोस्टल कैस्केड माउंटेन रेंज. दिस इज यू कैन से रॉकीज. रॉकीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. हियर देयर इज अ रिवर. यू नो विच रिवर? कोलोरेडो रिवर. रॉकीज से कोलोरेडो रिवर करती है ना. इट पासिस थ्रू ग्रैंड कैनियन. दिस इज द ग्रैंड कैनियन हियर. इन ग्रैंड कैनियन इज इन कोलोरेडो स्टेट ऑफ USA. एंड ग्रैंड कैनियन से दिस रिवर कम्स लाइक दिस. हियर इन USA दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ डैम, वन ऑफ द हाइएस्ट टॉलेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड. टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड हूवर डैम. हूवर इज देयर. I may write the name Hoover. Hoover Dam. मैं Hoover का इसलिए चर्चा कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द एरिया काइंड ऑफ नो मैंस लैंड. पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो, लेस देन 2% 3% पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड Hoover Dam इज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो देर इज नो यूजर ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी. देन इन लॉस एंजलिस they have some local ore mines are in California. में magnetic hills है. magnetic hills means those hills which are rich in iron ore. यहाँ local iron ore है. so Fontana in Los Angeles near Berkeley University there is a steel plant called Fontana. Fontana steel plant. it is having electric furnace and electric furnaces are always better than the coal furnaces because we can segregate the acidic and basic. Both the kind of iron ore we can segregate the impurities and obtain the metal easily. इसमें हम temperature को ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं. we have the control of electricity. सो हूवर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और फोंटाना में हूवर की इलेक्ट्रिसिटी से हम बिकॉज वी हैव द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इन USA बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन ऑफ USA. लॉस एंजलिस एंड सान फ्रांसिस्को. दिस इज कैलिफोर्निया स्टेट. दिस स्टेट इज कॉल्ड कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया इज हैविंग द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. एंड I told you earlier, Mediterranean climate is the most suitable climate for human habitation. Mediterranean have the ideal temperature because most of the human civilization, it has been the cradle land of all the human civilization, whether Roman civilization or the Greek civilization or the West Asian civilization or the Nile Valley, Nile Delta civilization. और इवन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑल सीरियन सिविलाइजेशन जिस पे आज जो लड़ाई हो रही है सब इतना यू नो ईस्टर्न गोथा में तो केमिकल वेपन भी यूज़ किया. ऑल दीज सिविलाइजेशंस आर बेसिकली ऑफ दिस सूटेबल क्लाइमेट एंड नेविगेशनल फैसिलिटी. सेम दिस रीजन इन द न्यू वर्ल्ड इज हैविंग द
best suited climate. Though it is tectonically active, but they have the rich mineral resources, they have the electricity, they have the local coal, and this area is also having offshore petroleum. Yeah, bahut sara petroleum nikalta hai. Oil fields are there over here. So many oil fields are there. If you take flight from Los Angeles or San Francisco and you see that sea, you will find several flames with interval, quick interval. It means all flames jo aapke aag dikhai de rahi hai sab jagah oil fields hai. So they are extracting oil from there. So basically oil is there, ore is there, coal is there, electricity is there, suitable climate is there. Only one problem is there, that is the tectonically active region. Yeah, earthquake bahut aate hai. But all suitability is, that's why California is the most populous state of USA. So it is the one of the most industrialized state of USA. That's why it require more steel. So Fontana, and apart from Fontana, there is one more steel plant by Pueblo. Its name is, Pueblo is in Colorado. In Colorado itself, there is one, because of the electricity, they have a steel plant, Pueblo. Pueblo steel plant. So, these are the, I gave you four regions of industrial steel, where steel is manufactured. One is the lake region, one is the Atlantic region, one is the Gulf in south, in the delta of Mississippi, and one is the Californian industrial region. These are the four different industrial regions where steel is manufactured in USA. Okay, so this is the one region, and in Pacific region, in Alabama, and in Alabama there is one more steel plant, Houston steel plant I missed. There is one in Texas, there is another plant, H-O-U-S-T-O, Houston. Houston, you know why it is famous for? Kennedy Space Center. So the, all those shuttles are there, they are launching the shuttle to the space from Kennedy Space Center. So this is at Houston. हमारा कहाँ है? We have two centers. One is Nellore district. What is the name? कहाँ? सतीश धवन space center कहाँ? Wheeler Island. हैं? Wheeler Island. Wheeler Island पे तो arms ammunition का DRDO का एक वो experiment range है. Sriharikota. And there is Equatorial Launch Center, Thumba, near Trivandrum, in Kerala. We have two centers, launching center there. Houston is also the steel plant in Texas. Houston and Birmingham and Sparrows Point and Philadelphia and Wheeling and Bethlehem, all these are the steel plant. So Sparrows Point, Baltimore, Wheeling and Bethlehem. बैथलेम का नाम नहीं बोलना, बहुत बड़ा, एक जमाने में यूएस का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आई वांटेड टू स्विच ओवर टू यूरोप. यस, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आई लेफ्ट, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज यूरोप इज वन ऑफ द रीजन वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द वर्ल्ड. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफ्यूज्ड इन द वर्ल्ड एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लेड वाइटल रोल for making the machines and goods and the different items from all they are made with the steel. Agar duniya mein steel nahi hota aur sare metal hote to bhi itni progress nahi ho sakti thi. So we cannot think progress without steel. Ab jahan baithe hue is building mein, ye bhi sari steel se bani hui hai. Jo ye upar dikhai de raha hai na, ye sab plastic lakdi, this is bamboo. This is basically started by the government of India to promote the industrialization in northeastern part of India under the Ministry of Science and Technology Initiative Mission for Bamboo Application. Ministry of Science Technology ने bamboo application का mission बढ़ाया था कि इसकी industry में use हो, और northeast में bamboo बहुत होता है, उसका
वहाँ का इंडस्ट्रियल बूस्ट मिले. सो बेसिकली वी ब्रॉट दिस बैम्बू प्लाइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड यूज दैट स्टील. स्टील कहाँ बना होगा, हो सकता है भिलाई बना हो, बोकारो बना हो, दुर्गापुर आया हो, या पुलटी से आया हो. बेसिकली स्टील इज देयर. सो एवरीथिंग जहाँ भी हम कुछ भी काम करते हैं वो स्टील के बिना कुछ कर ही नहीं सकते. सो इन इंग्लैंड वी हैव सम स्टील प्लांट्स. आई टेक फ्यू मिनट्स फॉर इंग्लैंड, देन वील डिस्कस, आई कंटिन्यू फर्दर. Like England, most of the steel industries if I say this is the Thames River, this is London City, and in this London, this is the Scotland here, this is say Glasgow. Glasgow is the world's largest ship manufacturing industry for fishing activity. You know, this area is known as the east side of England is known as the North Sea. North Sea is known for Dogger Bank, Fisher Bank. That is the ideal fishing grounds are there. And because of the ideal fishing grounds in this area, they need more number of ships. So steel is required. So basically they have the steel industries are Newcastle, Middlesbrough. There is another city very important. आपने सुना होगा शेफील्ड कटलरी जो कटलरी इस्तेमाल करते हैं ना, अगर किसी कटलरी के ऊपर लिखा हो मेड इन शेफील्ड, उसका प्राइस 3 गुना हो जाता है. जो स्टील का चम्मच 10 रुपये का वो 50 रुपये का मिलेगा. शेफील्ड है ये, शेफील्ड कटलरी है. सो दिस इज द सेम शेफील्ड. दे मैनुफैक्चर द स्टील ओनली फॉर स्पेसिफाइड कटलरी के लिए सुपर स्पेशलाइज, जिसमें जंग नहीं लगता, रस्ट फ्री. दे यूज शेफील्ड. हियर दे हैव द अनदर स्टील प्लांट हियर कॉल्ड स्वैंसी एंड द कार्डिफ एंड द The most important steel plant, the largest steel plant of England is Birmingham. Birmingham is somewhere here. It is in the central part. You know Birmingham. Birmingham में कोई भी condition support नहीं करती. कि जितनी industry थी ना इनकी, weight losing industries, they all shifted to the coast. Newcastle, Middlesbrough, Glasgow, Swansea, Cardiff, सिर्फ Birmingham continental में अंदर बचा हुआ because of the navigational facility, navigational transport. देखिए Thames River का access है वहाँ से, Thames River में भी ही उसको feed करती है. So Birmingham is the largest steel plant. I don't know ArcelorMittal का steel plant कौन सा है, जो Mittal साहब ने खरीदा वो city में मुझे भी नहीं मालूम कहाँ है. But these are the important, because 90% of the raw material, whatever they use, not 95% of the raw material is imported raw material. They use all imported raw material, mostly from Africa, South America and Southeast Asia, and from India also they are importing. So they don't have, but these are the steel plant. This is the industrialized country. यहाँ से सारी दुनिया में इंडस्ट्री फैली है. देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्सरी एंड सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एंड less than 5% population is dependent on agriculture. So industry, this is the industrial region.
all industries are shifted to the coast. So this is the industries, industrial region. These are the steel plants of England, I discussed. So let me stop it here only.